नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा निर्माण समिति ने मनाई बौद्ध पूर्णिमा। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर समिति सदस्य संतोष मराठा ने बताया कि बौद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा निर्माण समिति एवं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महिला मंडल संयुक्त तत्वाधान में तिलवारा घाट संविधान चौक स्थित संत शिरोमणि रविदास धाम में बौद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भगवान बौद्ध के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर सभी भीम भक्तों ने मुख मिष्ठान कर बौद्ध पूर्णिमा के शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित की। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवंतं अभिवादेमि स्वाखातो आज हम आपको लेकर आए हैं बुद्ध पूर्णिमा को तिलवारा जौनपुर शहर के सुप्रसिद्ध क्षेत्र तिलवारा घाट में, जो कि मान नगर तट के बाजू में स्थित है हमारा संत शिरोमणि रविदास धाम, जहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध अनुयायी लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की सभी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ बहुत को मनाते हैं। यहाँ आज हम आपको बताना चाहेंगे और महिला सभी मंत्रिमंडल यहाँ पे हैं, किस विशेष उद्देश्य पे आप लोग ये कार्यक्रम रखे हैं, बताएं किसके बारे में। सर्वप्रथम मैं पूरे विश्व क्रांति के प्रणेता महाकावड़े सम्यक संबुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, आज जो ये त्रिगुण पावन पूर्णिमा यहाँ संविधान चौक आश्रम रविधाम में तिलवारा घाट में मनाई जा रही है। विशेष आज का जो महत्व है, यह पुरातन काल से चला आ रहा है, जिसको त्रिगुण पावन पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है। आज ही के दिन तथागत गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पूर्णिमा के दिन उनको बोधि प्राप्त हुई थी, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन उसका महापरिनिर्वाण, जिसे हम देवासान कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में महापरिनिर्वाण में कहा जाता है। इस प्रकार त्रिगुण पावन पूर्णिमा है, क्योंकि न केवल भारतवर्ष में पूरे विश्व में आज ही के दिन ये त्रिगुण पावन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दूसरे विचारों में इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, लेकिन विश्व के प्रथम यदि कोई गुरु हुए हैं तो प्रथम हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध हुए हैं। उन्होंने ही ज्ञान देकर समस्त विश्व को समानता की बात कही है, ऊंच नीच से नकारा है, अंधविश्वास को भी नकारा है, आत्मा परमात्मा को नकारा है और छुआछूत को भी नकार दिया। इसलिए भारत देश में जन्मे हुए बुद्ध को बाहर जाना पड़ा। आज भी 48 और 56 राष्ट्र ऐसे हैं जो बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन भारत में जन्मे हुए बुद्ध को यहाँ से हिंदूवादी विचारधारा मनुवादी विचारधाराओं ने नकार के इस देश में मनुवादी विचारधारा को अभी भी जीवित रखा हुआ है। लेकिन आने वाला समय बुद्धकाई होगा। हमारे मंत्री महोदय प्रधान महोदय कहते हैं इस भारत को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। वास्तव में सत्य है, कहना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन हम बुद्ध अनुयायी इस भारत देश में अपने त्रिगुण पावन पूर्णिमा के रूप में गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा तथागत की नहीं है, युवा किसी विचारों की है। तथागत ने कहा था मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। इस रूप में हम लोग सभी यहाँ एकत्रित होते हैं और साल भर इंतजार करते हैं। बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम संगीत का प्रोग्राम देंगे और गीत प्रस्तुत करेंगे और पूरा भारत देश आज पूरा जगमगाया हुआ है। और पूर्णिमा इसलिए है कि पूर्णिमा का चांद होता है जो पूरा होता है। हमारी श्रद्धा भी पूर्व होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, इसलिए आज का जो चांद है वो पूरा रहता है और रोशनी होती है। तो हमारे जीवन में और समस्त संसार में रोशनी होने चाहिए, ऐसे तथागत बुद्ध का प्रकाश है, उनका जीवन है। इसलिए सभी आज संविधान चौक में त्रिगुण पावन पर्व पर बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए एकत्रित हुए, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म भी हुआ था, उनका परिनिर्वाण भी हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन यानी साबित होता है। इसलिए हम लोग साल भर वास्तव में इंतजार करते हैं कि ये पर्व कब कब आए और हम लोग सब लोग एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे सब मिल करके मनाए। कार्तिका डोंगरी।